जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो मैं फिर से एक बार लेके आया हूँ उत्तराखंड की रोजगार और शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ फटाफट अंदाज में। तो सबसे पहली जो न्यूज है, बहुत ही अच्छी न्यूज है कि प्रतिभावान बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे। मतलब सीएम ने जो ई संवाद हो रहा था उसमें ये बताया कि राज्य में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के प्रतिभावान बच्चों के लिए एक अलग से विद्यालय खोला जाना है। इसमें राज्य स्तरीय के बाद एक परीक्षा कंडक्ट होगी। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा निशुल्क दी जाएगी। यार एक बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में भर देना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो न्यूज है वो भी इस संवाद से रिलेटेड है, जिसमें कि यहाँ पर हमारे सीएम ने कहा है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े और भी संस्थान खोले जाने की बात चल रही। इसके अलावा जो अलग से एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा उसमें साइंस कॉलेज स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिससे छात्र छात्राओं को जो है अलग से स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार से जो है संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। जैसे हमने एक और वीडियो में बताया था कि जहां पर अब हर एक डिग्री कॉलेज में रोजगार परक सब्जेक्ट जोड़ने की बात चल रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में भर देना। बाकी यार चैनल पर नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज जो है वो है कि केबी में खाली सीटों के लिए जो है जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी, कि जिसमें नौवीं और ग्यारहवीं में और जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए जो अंतिम तिथि है वो 7 अगस्त है। इसके अलावा जो खाली बची सीटें थी उसका आवेदन की एक अलग से लिस्ट निकाली जाएगी। बाकी आप इसकी केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अगर अप्लाई नहीं किया है तो जाके अप्लाई कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि विश्वविद्यालयों में इस बार मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भी ऑनलाइन एडमिशन चालू हो गए। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन हैं ऑनलाइन स्टार्ट चालू हो गए हैं। तो जाइए और जल्दी से एडमिशन लीजिए। बाकी इस बार सारे एडमिशन मेरिट बेसिस पे ही होंगे, ठीक है फ्रेंड। बाकी आपको कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा और ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो बहुत ही बड़ी न्यूज है कि समूह ग की 300 पदों की भर्तियां निकली हुई हैं, लिपिक से लेकर अकाउंटेंट तक की। उसके बारे में हमने कल ही शाम को जब ये जॉब साइट थी उसका लाइव वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये दोनों फॉर्म 31 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको TSSC.UK.GOV.IN जहाँ पर भरिए। OTR मैं फिर से कहूँगा ध्यान से भरिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे वही वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे की वो न्यूज है कि 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं UGC को नोटिस। यानी कि आपको जैसे पता ही हो कि उच्चतम न्यायालय ने कोविड की को देखते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो अंतिम सेमेस्टर और अंतिम ईयर की जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा 30 सितंबर तक करा लेने को कहा, ऐसी गाइडलाइन है। बाकी इसकी जो सुनवाई है 31 तारीख को फिर से होनी है, कि हो सकता है कैंसिल भी हो। बाकी आप क्या सोचते हैं कैंसिल हो या ना हो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यार कैसी लगी ये न्यूज़, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी चाहो तो शेयर भी कर दो। ऐसी न्यूज़ मैं लाता रहता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।